So are you ready to take the next leap of learning? क्योंकि अभी तक हमने आपको settings के बारे में सिखाया हमने आपको बताया कि वर्ड की सेटिंग्स क्यों ज़रूरी हैं ये सेटिंग्स बिल्कुल आपके जिस तरह फ़ोन में सेटिंग्स होती हैं या किसी भी एक मॉड्यूल या डिवाइस जिसमें एक सेटिंग्स का पोर्शन होता है वर्ड में द सेटिंग्स पोर्शन एंड मॉड्यूल सेम एंड इट हैज़ डिफरेंट टीयर्स हमने आपको अभी तक पहले एक रीडिंग के बारे में बताया सेटिंग्स टीयर के बारे में फिर हमने आपको सेटिंग्स जर्नल के बारे में बताया क्या होती हैं सेटिंग्स क्यों जरूरी हैं सेटिंग्स सेटिंग्स आर द ब्रेन ऑफ वर्ड प्रेस बिल्कुल लाइक योर ओन ब्रेन विच पावर्स योर बॉडी विच पावर्स योर होल डेली सिस्टम्स एंड टास्क उसी तरह जो वर्ड प्रेस की सेटिंग्स हैं दोज पावर द डिफरेंट टास्क दैट यू विल बी एबल टू परफॉर्म ऑन वर्ड प्रेस क्यों जरूरी है इन like सेटिंग्स को समझना क्योंकि वर्ड प्रेस

बिकॉज इसमें अगर कोई भी चीज आपने इधर उधर करके छेड़ दी तो आपकी वेबसाइट डाउन हो सकती है सो बी वेयर रॉन्ग कॉन्फ़िगरेशन कैन मेक और ब्रेक योर वेबसाइट सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अब बात करते हैं स्पेसिफिकली राइटिंग के बारे में सेटिंग्स में जो राइटिंग का एरिया है दिस इज द सेकेंड नंबर एरिया एक्चुअली दिस इज द थर्ड नंबर एरिया सो जब भी आप जाएंगे सेटिंग्स के बार में डैशबोर्ड पे तो जो तीसरे नंबर पे आपको एक एरिया सेटिंग्स में नजर आएगा इट्स कॉल्ड राइटिंग और इसका ताल्लुक है विद एनी थिंग दैट यू हैव टू डू विद राइटिंग सो द राइटिंग सेटिंग्स कन्फिगर वेरियस ऑप्शन विद रिगार्ड्स टू योर साइट कॉन्टेंट आपके कॉन्टेंट में जो आपकी uh, चीज़ें हैं डिफरेंट जो सेटिंग्स हैं वो ये एरिया मैनेज करता है एंड क्यों कंटेंट से रिलेटेड सेटिंग्स जरूरी है बिकॉज कंटेंट इज़ किंग कॉन्टेंट इज वट पावर योर वेबसाइट सो मैंने आपको बताया था कि एक कड़ी जो इस पूरे इको सिस्टम में सबसे जरूरी है दोज आर द यूजर्स वट इज द सेकेंड कड़ी दैट्स द कॉन्टेंट सो कॉन्टेंट रिलेटेड कोई भी चीज आपने पावर करनी है दैट इज गोइंग टू बी पावर्ड एंड एडिटेड फ्रॉम द वर्ड प्रेस राइटिंग सेटिंग्स एरिया द सेटिंग्स एरिया फॉर राइटिंग इंक्लूड डिफाइनिंग द डिफॉल्ट ब्लॉग पोस्ट फॉर्मैट ये फॉर्मेट क्या हो सकता है इट कुड बी डिफरेंट थिंग्स लाइक ए साइड लाइक ब्लॉग लाइक चैट में आपको आगे दोबारा डिटेल में जरा बताऊंगा लेकिन ये जो एरिया है दैट डिफाइंस कि वो ब्लॉग पोस्ट का एक डिफॉल्ट फॉर्मेट क्या होगा ये भी थीम पे डिपेंड करता है आपकी थीम आपको बताएगी कि कौन सा आ, या कौन से फीचर्स हैं ब्लॉग पोस्ट में जो आपकी थीम आपको अलाउ करती है एंड ऑल्सो अगर आपने कोई एक लिंक मैनेजर प्लग इंस्टॉल किया हुआ है सो दिस विल ऑल्सो डिफाइन द डिफॉल्ट लिंक कैटेगरी सो इट लुक्स समथिंग लाइक दिस एज यू कैन सी आपके पास यहां पे एक ऑप्शन है टू सिलेक्ट द डिफॉल्ट पोस्ट फॉर्मैट वेरी इजिली यू कैन डू दैट हियर अब डिफॉल्ट पोस्ट फॉर्मेट क्या होता है सो so एक फॉर्मेट आपके पास है स्टैंडर्ड अ स्टैंडर्ड ब्लॉक पोस्ट इज वेर यू पुट ऑल योर कॉन्टेंट फिर आपके पास है चैट अगर आप कोई चैट पब्लिश करना चाह रहे हैं अपने ब्लॉग पोस्ट पे यू विल यूज दिस कैटेगरी अगर आप कोई एक गैलरी डालना चाह रहे हैं एक फोटोज की गैलरी सो दिस फॉर्मैट विल डिफाइन दैट अगर आप कोई लिंक डालना चाह रहे हैं तो आप उसको भी डिफॉल्ट सेटअप कर सकते हैं अगर कोई आप इमेज डालना चाह रहे हैं कोट डालना चाह रहे हैं स्टेटस डालना चाह रहे हैं वीडियो डालना चाह रहे हैं ऑडियो डालना चाह रहे हैं दिस एरिया दिस सेक्शन विल अलाउ यू टू क्रिएट अ डिफॉल्ट पोस्ट फॉर्मैट डिफॉल्ट पोस्ट फॉर्मैट हर तरह की वेबसाइट या हर तरह की थीम में नहीं होता आपने देखना है कि आपकी थीम आपको अलाउ करती है कि नहीं करती और वो आपको विजिबल होगा जब आप पोस्ट को जाके खोलेंगे राइट हैंड साइड पर आपको नजर आएगा कि कौन से पोस्ट फॉर्मैट वो थीम एक्चुअली अलाउ करती है फिर हम बात करेंगे एक और सेक्शन के बारे में विच इज कॉल्ड पोस्ट या ईमेल जैसे कि आपको यहाँ पे नजर भी आ रहा है आपको क्या पता था कि वर्ड प्रेस गिव्स यू दी ऑप्शन टू राइट अ ब्लॉग पोस्ट जस्ट बाय सेंडिंग एन ई तो आप लोग सोचते होंगे कि हमें अगर ई से ब्लॉग पोस्ट लिखना था तो आपने इतना ज्यादा वर्ड सिखाया क्यों भैया उसका मकसद ये ताकि आप डिफरेंट चीजें सीखें ताकि आप वो सारी लर्निंग्स कर सकें जो आपको एक सक्सेसफुल वर्ड प्रेस या वर्ड प्रेस या स्मार्ट वर्कर बनने में हेल्प कर सकती हैं ये भी मैं आपको सिखाऊंगा कि एक प्लगइन है जिसका नाम है जेट पैक हाउ यू कैन यूज द प्लग इन कॉल जेट पैक टू पोस्ट वी आर ई मेल वेरी इजिली एंड द थर्ड ऑप्शन इज टू अपडेट द सर्विसेज सो अपडेट सर्विसेज क्या करती है इट इंफॉर्म्स अदर वेबसाइट्स ऑन द इंटरनेट कि आपने अपनी ब्लॉग पोस्ट अपडेट कर दिया है इट्स वेरी गुड फॉर एस एंड आई विल टेक यू लाइव जिधर मैं आपको दिखाऊंगा कि ये सर्विसेज मिलके राइटिंग में जो एरिया uh, है सेटिंग्स में कैसे आप अपने ब्लॉग को फर्दर ऑप्टिमाइज कर सकते हैं अपनी वेबसाइट को यूजिंग दिस सेटिंग्स एरिया सो वील गो लाइव नाउ सो अब हम वर्ड का जो सेटिंग्स एरिया है उसको देखेंगे कि हाउ इट वर्क सो आईल गो टू माई वेबसाइट विच इज डी जी स्केल्स साद डॉट जीरो 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 वेब होस्ट ऐप डॉट कॉम और मैं साइट खोलूँगा और सामने में देखूँगा कि ये साइट uh, कैसी दिखती है सो यू कैन सी इट्स वेरी मच सिमिलर टू वट वी हैव बिन डिस्कसिंग सो फार मैं जल्दी से लॉग इन करूंगा और लॉग इन करते साथ ही अब आप देख रहे हैं थीम भी डिफरेंट है थीम डिफरेंट क्यों है बिकॉज आई चेंज द थीम योर स्टडे आई एल चेंज दट थीम अगेन बिकॉज ये थीम मुझे इतनी अच्छी नहीं लग रही सो आईल जस्ट ट्राई टू क्विकली चेंज कलर्स बिफोर आई हेड टू द सेटिंग्स राइटिंग एरिया और आपने देखा कि अभी एक एरर आ गई है दिस इज प्रटी नॉर्मल इट हेल्प्स यू लर्न के इस तरह के एरर्स आपके साथ भी आएंगे सो आई एल क्विकली चेंज टू दिस कलर विच आई रियली लाइक एक्टो प्लाजम इसका नाम है और यहां से आई गो टू एरिया में आप देख सकते हैं कि राइटिंग वाले सेक्शन में हम हैं तो राइटिंग वाले सेक्शन में वी हैव द डिफॉल्ट पोस्ट कैटेगरी विच इज अभी लिखा हुआ है अनकैटेगराइज बट आप इसको कोई और कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आप करना चाहें अगर आप डिफॉल्ट पोस्ट फॉर्मेट सिलेक्ट करना चाहें वो आप कर सकते हैं मैंने कोड सेलेक्ट किया था और एक पोस्ट या ई मेल की ऑप्शन है हमारे पास जो हम सिलेक्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ हमारे पास अपडेट uh, सर्विसेज हैं जिसमें मैं गूगल डॉट कॉम डाल सकता हूँ सो इफ़ यू वॉन्ट टू इन्फॉर्म अदर सर्विसेज कि आपकी साइट अपडेट हो गई है दिस इज़ वे यू कैन चेंज दैट और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इस सेटिंग से रिलेटेड आप गूगल सर्च भी कर सकते हैं जिस तरह अपडेट सर्विसेज वर्ल्ड तो कुछ और वर्ड के जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने आपको कोई सर्विसेज बताई होंगी जो आप यहाँ पर लिस्ट कर सकते हैं सो इन दिस लेसन यू लर्न हाउ यू कैन यूज़ द वर्ल्ड प्रेस सेटिंग एरिया टू एम्पावर डिफरेंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड प्रेस जेट पैक भी एक लगन है प्लीज़ उसको ट्राई कीजिएगा यूजिंग दैट यू कैन पोस्ट व ई मेल बट हमारे साथ इसलिए रहिएगा ताकि हम आपसे सीख सकें आप हमसे सीख सकें और हम ये जो ग्रोइंग कम्यूनिटी है डी जी स्किल्स की विच इज़ गोइंग टू एम्पावर इंडिविजुअल्स एंड एम्पावर द फ्यूचर यंग जनरेशन ऑफ पाकिस्तान मिल के हम काम कर सकें सीख सकें और एक अच्छी कम्युनिटी बना सके